गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा जय हो। गोवा में गणेश जी की स्थापना से लेके और विसर्जन तक कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, अगर ये आपको जानना है तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। हम जा रहे हैं अभी गोवा में, इधर स्थापना की हुई है गणेश जी की, तो उसमें पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं। तो हम इधर ये देखो चारों तरफ से डेकोरेशन कर रखा है, बहुत ही अच्छी लाइटिंग वाइटिंग बना के रखी है। और ये इधर थोड़ा सा अंदर मंदिर है और ये बाहर सड़क पे ही कर रखा है। ये देखो गणेश जी की स्थापना यहाँ पे कर रखी है। वैसे तो सब लोग अपने घर में ही गणेश जी की स्थापना करते हैं, लेकिन इधर मंदिर में भी स्थापना करते हैं, क्योंकि जो लोग किसी कारण से अपने घर में स्थापना नहीं कर पा रहे हैं वो सब लोग इधर आके और फिर भी सब लोग साथ में इकट्ठी पूजा वगैरह कर ले, इसके लिए इधर मंदिर में भी स्थापना करते हैं। ये देखो गाइस, अभी शाम का टाइम है तो आरती चल रही है और सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और बैठे हैं आरती में भी। हम लोग भी इधर शामिल होने के लिए आए हैं। सड़क पे ये देखो ऐसे रंगोली वंगोली भी बनाते हैं, लेकिन आज 3-4 दिन हो गए हैं तो थोड़ी रंगोली फीकी पड़ गई है। रंगोली के साथ साथ ऊपर भी देखो कितना अच्छा टेंट वगैरह लगा रखा है, बहुत ही शानदार। ये देखो डेकोरेशन और टेंट भी बहुत अच्छा है। अब शाम हो गई है तो मैं आपको इधर जो सामने से डेकोरेशन है वो आराम से दिख रहा है, तो वेलकम इधर से किया हुआ है, ये वेलकम का पोस्टर लगा के अच्छा सा कि इधर से भी आ सकते हैं। वैसे दो रास्ते, मैं पहले दूसरे रास्ते से आई थी, अब ये है मेन रास्ता, जैसे इधर से अच्छा सा डेकोरेशन करके बनाया गया है। चलो आपको एक बार अंदर जाके और दिखा देती हूँ। अभी सब लोग आ रहे हैं पूजा में शामिल होने के लिए और कुछ लोग जा भी रहे हैं। वैसे इधर गोवा में गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन की जाती है और इनका विसर्जन तेजादशमी के दिन किया जाता है। जो मंदिर में स्थापना करते हैं गणेश जी की वो इस टाइम से करके और विसर्जन दशमी तक करते हैं, और जो लोग घर पे करते हैं वो 2-4 दिन जितना उनका मन होता है या फिर जितना वो रख सकते हैं उतना रखते हैं। इधर गोवा में गणेश जी का विसर्जन समुद्र के किनारे करते हैं, इधर बीच वगैरह ज्यादा होते हैं ना, तो विसर्जन शाम के टाइम और बहुत ही धूमधाम से बैंड बाजा और आराम से करते हैं। उस टाइम बहुत मजा आता है, डांस वांस करते करते जाते हैं सब लोग। और ये है मंदिर में गणेश जी, बहुत बड़े गणेश जी की पूजा कर रहे हैं अभी। और इधर पास पास में थोड़े और भी भगवान विराजमान किए हुए हैं छोटे छोटे, और ये बड़ी वाली मूर्ति है जो गणेश जी की इधर बड़ी वाली लेके आते हैं। जिस दिन से गणेश जी की स्थापना करते हैं उस दिन से हर रोज आरती होती है और दिया होता है, और जिस दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं उस दिन जो भी लोग आते हैं उन सबको प्रसाद मिलता है, और बहुत सारे लोग आके बड़े बड़े बर्तन वगैरह लेके काफी सारा प्रसाद बनाते हैं और सभी श्रद्धालुओं को बांट देते हैं। गाइज अब आई है विसर्जन की बारी, तो विसर्जन के समय जो भी गणेश जी की पूजा के लिए गणेश जी के चारों तरफ जो भी नारियल वगैरह कुछ कपड़े वगैरह सुपारी वगैरह रखते हैं, उस नारियल का सब लोग पूछते हैं कि उस नारियल का क्या करते हैं, तो उस नारियल को बड़ा करके सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में दे देते हैं। और गणेश जी की पहले पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद गणेश जी को थोड़ा सा ऐसे हिला देते हैं और फिर गाड़ी लेके गाड़ी में गणेश जी की स्थापना करके और फिर सभी श्रद्धालु पीछे पीछे गणपति बापा की जयकारा लगाते लगाते 20 तक पहुंचते हैं, जब तक 12 बज जाते हैं इसी हिसाब से धीरे धीरे चलते हैं। और 12 बजने के बाद फिर गणेश का विसर्जन करते हैं, और विसर्जन के टाइम ऐसे बोलते हैं कि हे गणेश जी, जो भी हमारे से इतने दिनों में भूल चूक हुई है उसको माफ करना, और अगले साल बहुत ही जल्दी आना, गणपति बापा मौर्या, गणपति बापा मौर्या, ऐसे करते करते और फिर घर आ जाते हैं। बाय बाय।